हेलो, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक तोमर है। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं UGC नेट पेपर वन। टारगेट कर रहे हैं हम जून 2024 वाले एग्ज़ाम को। यूनिट वन टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है हमारा, और क्लास नंबर 7 मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं शिक्षण के, उसको आज हम देखेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। मेरे बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ये है मेरा डिटेल्स। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप जो है वीडियो रोक के एक बार और देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप ज्ञानस्थली को टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। वहाँ पे एक हमारा डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। व्हाट्सएप पे इस नंबर पे कोई भी अगर आपको क्वेरी कंसर्न हो तो आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब पे ज्ञानस्थली क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। तो क्लास नंबर 7 है हमारा, मेथड्स ऑफ टीचिंग इज द टॉपिक, यानी कि शिक्षण के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। और इसमें देखिए, टीचर सेंटर्ड यानी कि एक तो शिक्षक आधारित, और लर्नर सेंटर्ड मतलब केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, और यहाँ पर क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित। तो दो तरीके के मेथड्स होते हैं टीचिंग के। इसके अलावा भी और भी होते हैं, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन ये मेनली आज हमारा टॉपिक होने वाला है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। जो भी हमारा सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है ज्ञानस्थली क्लासेस को यूट्यूब पे, तो वहाँ करिए। वहाँ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैम जो है देती रहती हैं। और जो है ऐप में अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ये क्लासेज इंटरेस्टिंग लग रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, ये हमारा बैच है, ये बैच का पूरा डिस्क्रिप्शन है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपने अगर परचेज किया है तो आपको पता ही होगा कि ये 1499, और इसमें भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आप ये कोड मेंशन करते हो PS100 तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। बायलिंगुअल क्लासेस चलती हैं हमारी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। स्ट्रक्चर्ड यूनिट वाइड क्लासेज चलती हैं, डिटेल टॉपिक कवरेज होता है, और GRF क्वालिफाइड फैकल्टी आपको मिलती है। बायलिंगुअल क्लास नोट्स PDF भी मिलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग आपको मैराथन भी देंगे लास्ट मंथ में। जो भी क्वेरी कंसर्न हो तो इस नंबर पे आप विनय सर से जो है संपर्क कर सकते हैं। ज्ञानस्थली को टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो भी आपको डिस्कशन, आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के थ्रू ही आप जो है जिस भी एजुकेटर से कांटेक्ट करना चाहते हैं उनके नाम से एक मैसेज छोड़ दीजिए और आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ये हमारे बैच का वही डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं और अपने कंटेंट पे, ठीक है, कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा है ना, जो टीचर सेंटर्ड मेथड है, ठीक है, जो शिक्षक केंद्रित जो पूरा का पूरा जो है ना ये दृष्टिकोण हम देखते हैं, तो ये क्या होता है, उसके केंद्र में कौन होता है, उसके केंद्र में टीचर होता है, ठीक, यानी शिक्षक होता है जो केंद्र में होता है, जो टीचर सेंटर्ड मेथड है। वही अगर हम बात करें लर्नर सेंटर्ड मेथड्स की, तो यहाँ पर क्या होता है, विद्यार्थी या फिर शिक्षार्थी जो होता है ना वो होता है केंद्र में। तो इसको हम समझेंगे, दोनों अप्रोचेज को देखेंगे डिटेल में एक बार, देखेंगे कौन कौन से मेथड्स जो है टीचर सेंटर्ड होते हैं, कौन कौन से लर्नर सेंटर्ड होते हैं, और कैसे जो है दोनों में डिफरेंस है, कौन बेहतर होता है कौन नहीं, या फिर दोनों का बैलेंस होता है, क्या होता है देखेंगे, है ना। देखिए, इन टीचर सेंटर्ड मेथड्स द इंस्ट्रक्टर लीड्स, मतलब जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो लीड करता है, ठीक। और यही वर्ड जो है ना, ये नेगेटिव वर्ड आ जाता है। देखिए, शिक्षक को कभी लीड नहीं करना चाहिए, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए, एक जो है ना गाइड की तरह काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर टीचर या इंस्ट्रक्टर लीड करेगा ना, तो फिर अपने सोच को जो है वो विद्यार्थियों पे थोपेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फोस्टर करना है, हमें जो है ना वो बढ़ावा देना है किस चीज़ को, जो है खुले सोच को, कि विद्यार्थी जो है वो स्वयं जो है सोच सके, अपने सिरे से, अपने तरीकों से चीज़ों को देख सकें। तो वो है, इसका एक एग्जांपल आ जाता है लेक्चर्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर होता है। तो ये, और सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है इसमें, है ना, सिर्फ नेगेटिव ही नहीं है बल्कि पॉजिटिव भी है टीचर सेंटर्ड मेथड का। और पॉजिटिव भी मैं आपको बताऊंगा। पॉजिटिव ये है कि देखिए, कोई कंटेंट अगर आप देना चाहते हो और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में देना चाहते हो, और उसके पीछे जो है जो भी तथ्य हैं, जो भी उसके पीछे की सारे जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो जो है ना वेरीफाइड कंटेंट है, तो ये जो है टीचर सेंटर्ड मेथड में फ़ायदा होता है कि भाई टीचर जो है वो जो भी कंटेंट देगा उसके पीछे सारा जांच परख के देगा, है ना। तो देखिए, दिस अप्रोच पोजीशन द टीचर, इसमें प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज जो है ना वो टीचर होता है, यानी कि ज्ञान का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो टीचर होता है, यानी कि शिक्षक होता है। अगर हम वही देखें इसके विपरीत जो है, शिक्षार्थी केंद्रित तरीके छात्र की सहभागिता, यानी कि जो लर्नर का जो एंगेजमेंट है ना वो, और इसके साथ साथ
आलोचनात्मक सोच और आत्मखोज को प्राथमिकता देता है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ डिस्कवरी को इसमें प्राथमिकता देता है। क्या? लर्नर सेंटर्ड मेथड। देखिए यहाँ कितना पॉजिटिव पॉजिटिव बात हो रही है। एक तो स्टूडेंट एंगेजमेंट के बारे में बात हो रहा है, मतलब कि जो है सहभागिता छात्र का है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग हो रहा है, मतलब जो बच्चा है ना वो आलोचनात्मक चिंतन कर पा रहा है, सोच पा रहा है, और सेल्फ डिस्कवरी यानी आत्मखोज कर पा रहा है, ठीक है। और इसमें टीचर, जैसे हमने की बात किया था कि गाइड या फिर फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। और देखिए नई शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 आई है, NEP 2020, इसमें भी इसी के बारे में बात किया गया है कि जो शिक्षा है ना वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड, तो यानी कि विद्यार्थी के ऊपर केंद्रित होना चाहिए, जो शिक्षार्थी है उस उन पर केंद्रित होना चाहिए शिक्षा, ना कि शिक्षक पे, ठीक। तो शिक्षक जो है वो एज अ गाइड ही ज़्यादा बेहतर है, और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इसके बारे में बात किया गया है। तो फिर टीचर सेंटर्ड मेथड्स पे अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, यानी व्याख्यान आधारित निर्देश। तो लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन क्या है कि देखिए इसकी विशेषताएं अगर देखते हैं तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब यही अप्रोच बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा है, यही पारंपरिक दृष्टिकोण है। यहाँ शिक्षक जो है ना वो एक तरीके से व्याख्यान देता है, ठीक है, व्याख्यान के माध्यम से लेक्चर के थ्रू कंटेंट को प्रोवाइड करता है। और ट्रेडिशनली भी आप देखते आ रहे हो कि यही होता भी है। क्या होता है कि जो टीचर्स हैं ना वो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, और लेक्चर कैसे प्रोवाइड करते हैं, मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक। इसके देखिए हर चीज़ का जो दो पहलू होता है इसमें, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी एडवांटेज और लिमिटेशन, दोनों चीज़ होती है। देखिए इसका एडवांटेज भी है, ऐसा नहीं है कि ये प्योरली जो है नेगेटिव है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या क्या लाभ हैं इसके? तो सबसे पहला तो ये है कि भाई देखिए एफिशिएंट होता है ये, ठीक, जो भी होता है ना ये बिल्कुल ही एफिशिएंट होता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है कन्वे करना चाहते हो स्ट्रक्चर्ड मैनर में, हमने बात किया था ना कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में अगर आप क्लास देना चाहते हो, ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहते हो, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। और इसके लिमिटेशन अगर हम देखें ना तो लिमिटेड स्टूडेंट एंगेजमेंट, इसमें जो है ना जो छात्र का जुड़ाव है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टूडेंट से एंगेजमेंट नहीं होता है, ठीक। इसमें जो है इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इंटरेक्शन इन द सेंस कि संवाद नहीं होता, ठीक है, संवाद नहीं होगा। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, अगर स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे उस चीज़ को, वो लिमिटेशन के तौर पे आ गया है ना। और इसीलिए इसे पैसिव लर्निंग भी बोल दिया जाता है कि इसमें स्टूडेंट जो है ना वो पैसिवली जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव लर्निंग नहीं होता है जो लेक्चर बेस्ड इंस्ट्रक्शन है, व्याख्यान आधारित निर्देश है। तो इसके कुछ फ़ायदे तो कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम दूसरे पे आते हैं तो ये है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रत्यक्ष निर्देश। प्रत्यक्ष निर्देश क्या है, देखिए इसकी विशेषताएं ये हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का कि टीचर जो है ना वो एक्सप्लिसिट गाइडेंस और स्ट्रक्चर्ड लेसन प्रोवाइड करता है, मतलब स्पष्ट मार्गदर्शन देता है, और इसके साथ संरचित पाठ प्रदान करता है, मतलब कि स्ट्रक्चर्ड लेसन प्रोवाइड करता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, इसके फ़ायदा ये है कि जो कंटेंट डिलीवरी है उसमें क्लैरिटी होती है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि वो क्या कर रहा है। देखिए टाइम भी बचता है, टाइम एफिशिएंट, जहाँ भी टाइम की कमी होगी वहाँ जो है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बहुत काम आएगा। जो भी क्लास हम लोग जाते हैं ना स्कूल्स में तो वो यही होता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन अब जो है वो चेंज हो रहा है जहाँ छात्रों का पार्टिसिपेशन को भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। और जो भी स्पेसिफिक टॉपिक को कवर करना होता है तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बहुत यूजफुल होता है। लिमिटेशन क्या है कि देखिए स्टूडेंट ऑटोनॉमी कुछ नहीं है इसमें। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता है, जो भी टीचर बोलेंगे वही इनको करना होता है, अपने दिमाग लगा के ये कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें जो है ना एक कह दे कि इनोवेशन या फिर क्रिएटिविटी जो है ना वो फॉस्टर नहीं हो पाती है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिल पाता, इनोवेशन को बढ़ावा नहीं मिल पाता है। स्टूडेंट्स को जो दे दिया जाता है उसी से वो संतुष्ट उनको होना पड़ता है, इसीलिए उनके पास जो है ना अवसरों की कमी हो जाती है, सीमित अवसर हो जाता है और वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, ठीक। सीमित अवसर होने की वजह से एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाते हैं, टॉपिक्स को जो है ज़्यादा डेप्थ में अगर वो समझना चाहे तो नहीं कर सकते, या फिर अलग अलग दृष्टिकोण से, यानी कि अलग अलग उनका जो व्यू है ना वो यहाँ पर उसको जो है बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो उनके दृष्टिकोण भी बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो उससे डेवलपमेंट में और उनके ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग जो है ना वो हैम्पर होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। जो तीसरा पॉइंट है टीचर सेंटर्ड मेथड में वो है स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, यानी संरचित पाठ्यक्रम। तो देखिए करिकुलम जो है ना वो टीचर सेंटर्ड मेथड में प्री डिफाइंड होता है, पहले से पूर्व निर्धारित होता है, ठीक। तो पूर्व निर्धारित होने की वजह से क्या होता है, जो पाठ्यचर्चा है वो पूर्व निर्धारित होता है। उससे क्या होता है कि देखिए जो टॉपिक्स है ना वो सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। जैसे आपको NTA ने यहाँ पर पेपर वन के लिए पूरा सिलेबस दे दिया है,
तो उसमें आपको बता दिया कि भाई यूनिट 1, 2, 3, 4 यहाँ 10 तक जो है पूरा आपको स्ट्रक्चर्ड लेसन दे दिया गया है। ठीक, तो इससे इसका एडवांटेज क्या हो जाता है कि जो लर्निंग पाथ है वो क्लियर रहता है, आपको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो जो सीखने का मार्ग है वो एकदम स्पष्ट होता है। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म कंटेंट डिलीवरी हो पाती है, मतलब सामग्री वितरण जो है ना वो एकदम समान हो पाता है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि देखिए पूरे इंडिया में सेम तरीके से पेपर उन पढ़ा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पेपर भी सेम ही तरीके से आता है, लेकिन लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि देखिए डाइवर्स लर्निंग स्टाइल को ये केटर नहीं कर पाता, विविध शिक्षण शैलियों को जो है ये केटर नहीं करता है, उनको ध्यान में नहीं रखता, और इससे जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ जाती है। यानी कि अलग अलग टाइप के बच्चे भी हो सकते हैं, उनके हिसाब से जो है ये चेंज होना चाहिए करिकुलम, लेकिन ऐसा नहीं होता है, करिकुलम जो है वो फिक्स्ड होता है यहाँ, तो इसीलिए ये भी एक इसका लिमिटेशन हो जाता है। और एक एडवांटेज भी हमने बात किया। तो देखिए टीचर सेंटर्ड मेथड के बारे में हमने बात किया कि कैसे जो है लेक्चर मेथड जो होता है वो, इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है वो टीचर सेंटर्ड मेथड में आ जाता है, इसके साथ साथ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आ जाता है। अब हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड, मतलब जो भी ये आपके स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके लर्नर हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं, उनके ऊपर जो केंद्रित जो ये मेथड्स हैं, जो ये तरीके हैं, उन पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ठीक है, यानी कि समस्या आधारित शिक्षा। ये क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट्स जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं, छात्र जो है वो वास्तविक दुनिया की समस्याओं का पता लगाते हैं, और अगर वो एक्सप्लोर करेंगे ना, देखिए एक्सप्लोर मतलब वो क्या करेंगे, खुद से कर रहे हैं सेल्फ, और एक्सप्लोर अगर कोई कुछ करता है, देखिए आपको अगर मैं कोई नए जगह पर भेज दूँ और आप रास्ता खुद से अगर खोज रहे हो, देन यू विल रिमेंबर द पाथ वेरी, मतलब बहुत आसानी से। ठीक है, उसी तरीके से ना आपका क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होता है, अगर आप रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करोगे, आलोचनात्मक चिंतन आप कर पाते हो, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। तो एडवांटेज क्या होता है कि देखिए एक्टिव लर्निंग, छात्र जो है ना इसमें एक्टिव होता है, जो स्टूडेंट है वो एक्टिव होता है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको एक्टिव होना ही पड़ेगा, और जो भी वो सीख रहा है ना वो किताबी ज्ञान ना रह के उसका जो है प्रैक्टिकल यूज़ भी देख पाता है, प्रैक्टिकल यूज़ समझ पाता है, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी हो पाता है उसका। वहीं अगर बात करें इसके कुछ जो है क्या क्या लिमिटेशंस हैं, या फिर अगर देखें तो इसके क्या क्या जो है सीमाएं हैं, तो वो क्या है कि देखिए इसमें इफेक्टिव फैसिलिटेशन चाहिए, मतलब कि अगर फैसिलिटेशन नहीं मिला तो हो सकता है कि स्टूडेंट जो है ना वो कुछ और ही पढ़ने लगे, वो जो है वो भटक जाए, कुछ पढ़ने कुछ और गया, वो कुछ और सीख के आ जाए, क्योंकि उसको जो है गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना प्रभावी सुविधा की आवश्यकता है, मतलब यहाँ पे टीचर का आवश्यकता यहाँ भी है, और क्या है कि स्ट्रक्चर जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स लैक कर जाते हैं। ठीक, तो कुछ छात्रों के लिए संरचना की कमी हो सकती है, क्योंकि उनको जो है हो सकता है कि एक्सप्लोरेशन ना आ रहा हो, वो लोग जो है वो पूरे तरीके से आधारित हों कि भाई उनको कोई अगर बताएगा तभी वो सीख पाएंगे, तो वो भी एक तरीका, ये भी एक लिमिटेशन हो जाता है। तो देखिए हर चीज़ का कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई खूबी होता ही है। तो ये था समस्या आधारित शिक्षा यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड है। अगर हम दूसरी की बात करें तो ये है सहयोगात्मक शिक्षा यानी कोलाबरेटिव लर्निंग। इसमें कोलाबरेशन को महत्वपूर्णता या फिर उसको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं, जो सबसे पहले अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये देखिए ग्रुप एक्टिविटीज़ को एम्फसाइज करता है, यानी कि समूह की गतिविधियों को जो है ना ये जोर देता है। इसके साथ साथ डिस्कशन पे जोर देता है कि जो चर्चा हो, क्लास में अगर चर्चा होगा तो नई नई चीज़ें निकलेंगी। देखिए हमारे भी जब मैं भी BBA करता था तो वहाँ पे बहुत सारा ग्रुप डिस्कशन होता था हमारे क्लास में, और उससे क्या होता था नई नई चीज़ें, नए नए, जैसे हम वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट भी करते थे, स्टार्टअप वगैरह के बारे में बात हुआ करता था, कैसे जो है एफिशिएंटली हम अपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें। तो देखिए उससे नई नई चीज़ें जो है अलग अलग स्टूडेंट्स अपना अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं, अपने अपने जो है उनका सोच होता है उसको वो रखते हैं, और उससे जो है बेहतर जो है एक कुछ बेहतर रिजल्ट सामने आता है। ठीक, पीयर इंटरेक्शन बढ़ता है, यानी कि अपने ही सहपाठियों से, अपने ही सहकर्मियों से, सहपाठियों से जो है बातचीत करने से क्या होता है, संवाद करने से क्या होता है कि एक आपसी में कम्युनिटी बिल्ड होता है। पीयर लर्निंग और फ्लिप्ड क्लासरूम भी इसका एक एग्जांपल है कोलाबरेटिव लर्निंग का। देखिए पीयर लर्निंग मतलब अपने ही दोस्तों के साथ पढ़ना, उनको पढ़ाना, अपने ही पढ़ना, और एक फ्लिप क्लासरूम है कि मतलब आप जो है आपको कुछ दिया जा रहा है तो आप घर पर भी तैयार करके आते हो, फिर क्लास में जो है उस चीज़ का प्रैक्टिकल करते हो, और फिर जो है उसको घर पे आके फिर एक बार उसको चेक करते हो, है ना। तो वो चीज़ फ्लिप क्लासरूम में हो जाता है, ये एक अलग नए तरीके का एक जो है क्लासरूम एक्टिविटी है, और इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात किया हुआ है। देखिए एडवांटेज क्या क्या है, इसके लाभ क्या क्या है, तो सबसे पहले तो भाई टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है, आप जो है ना वो टीम वर्क ज़्यादा बेहतर हो पाता है अगर कोलाबरेटिव लर्निंग हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर टीम वर्क, देखिए जो टीम में रहना सीख गया है ना वो आगे चल के बहुत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि
उसे टीम बिल्डअप करने आता है, उसको लोगों को रेस्पेक्ट करने आता है, और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स के बारे में यानी कि विविध दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलता है इस कोलाबरेटिव लर्निंग से। वहीं अगर हम इसकी कुछ सीमाओं के बारे में बात करें तो लिमिटेशंस क्या क्या हैं। देखिए, पोटेंशियल फॉर अनइवन पार्टिसिपेशन, हो सकता है कि कोई बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड ही ना हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, तो कोई तो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन कोई साई बच्चे होते हैं ना जो खुद में ही रह जाते हैं, तो वो जो है इसमें नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ भाई इफेक्टिव ग्रुप डायनेमिक्स चाहिए, मतलब प्रभावी समूह गतिशीलता की आवश्यकता है, कि मतलब ऐसा ग्रुप हो जिसमें हर तरीके के भी बच्चे अवेलेबल हों, उसमें उसमें जो है सबका इंक्लूजन हो, तो वो एक जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तीसरे पॉइंट को देखें तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये भी लर्नर सेंटर्ड मेथड है, यानी पूछताछ आधारित शिक्षा। और इसमें जो है अगर हम देखें विशेषताएं इसकी, तो करेक्टरिस्टिक अगर इसकी देखें तो देखिए स्टूडेंट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, जैसे पूछता था, इसे नाम से ही पता चल रहा है, देखिए स्टूडेंट्स जो है ना वो प्रश्न पूछते हैं, वो क्वेश्चन पोज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन खुद करते हैं वो, ठीक, जांच करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, और टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, विषयों का पता लगाते हैं खुद से, ठीक। तो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, इसमें जो है क्वेश्चंस का खूब जो है चलन होता है। एडवांटेज क्या है कि देखिए इससे जो है ना वो जिज्ञासा का जो जिज्ञासा जो है ना वो डेवलप होता है, विकसित होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यानी कि जो है जैसे समस्या सुलझाने का जो कौशल होता है ना, वो उसका विकास होता है अगर हम देखें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से। वही अगर हम इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है, देखिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, देखिए टीचर जो है, मैंने बार बार बोला है ना कि गाइड जो है एज अ गाइड जो है काम करता है, ठीक। तो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड चाहे कितना भी बेहतर हो लेकिन उसमें टीचर का रोल है ही। देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग गाइडेंस की जरूरत होती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, क्योंकि अगर वो इंक्वायरी करेगा तो किससे करेगा, वहाँ भी तो उसको कोई चाहिए ना जो उसको गाइड कर सके, और जो टॉपिक्स है ना वो काफ़ी टाइम ले सकते हैं कवर करने के लिए, तो अगर आपको समय सीमा के अंदर कुछ करना है तो उसके लिए ये नहीं है, फिर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, है ना। तो एक ये है। इसके बाद अगर बात करें, देखिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, आजकल इसका बहुत चलन है, जितने भी आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स देख रहे हो, जैसे आप यहाँ मेरे साथ पढ़ रहे हो, इसके साथ यूट्यूब पे भी आप पढ़ते हो, ठीक है, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो आप देख रहे हो वो सारा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के लिए ही है। ये देखिए इसमें स्टूडेंट जो है ना वो अपने लर्निंग प्रोसेस का खुद ध्यान रखता है, ठीक है, अपने सीखने की प्रक्रिया का जिम्मेदारी खुद लेता है, उसे खुद पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें किसी को ज़्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि भाई स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी को यहाँ प्रमोशन मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बात होता है, यहाँ इनकरेजमेंट मिलता है कि देखिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो होना चाहिए, और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अगर आप कर रहे हो, खुद से अगर आप लर्निंग अपना कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि भाई आप लाइफ लॉन्ग जो है वो लर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके भी लिमिटेशन है कि भाई खुद एक जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन के बारे में हमने बात किया था ना, जो आंतरिक जो है वो अभिप्रेरणा, तो यहाँ पर इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो है वो होना चाहिए, अगर इंट्रेंसिकली मोटिवेटेड नहीं रहेगा स्टूडेंट तो ये जो है कर ही नहीं पाएगा, ठीक। और इसके बाद जो है डिसिप्लिन लर्नर चाहिए, अनुशासन चाहिए लर्नर के अंदर, खुद से अनुशासित हो सके, कोई इसको बोले ना फिर भी वो जो है अपने काम को बेहतर ढंग से एकदम सही समय पर करता हो, तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर ये रहे तो फिर ये लिमिटेशन नहीं होगा, लेकिन अगर ये ना रहे तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में। तो देखिए हमारा जो हमने देखा आज क्या क्या देखा, हमने देखा देखिए टीचर सेंटर्ड मेथड, जो शिक्षक आधारित जो भी सीखने के मेथड्स हैं, और लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड में हमने क्या देखा, हमने देखा जैसे लेक्चर मेथड हो गया, ठीक है, और लेक्चर मेथड के बाद हमने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देखा, और जो भी करिकुलम आधारित जो करिकुलम बेस्ड लर्निंग होता है वो देखा हमने। वहीं अगर हम लर्नर बेस्ड मेथड में देखें तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हमने देखा, यहाँ पे सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हमने यहाँ देखा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो पीयर लर्निंग और पीयर ग्रुप में कैसे बच्चा लर्न करता है, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखने की जो प्रक्रिया है उसको हमने देखा। तो इससे हमें पता क्या चला, आपको क्या लगता है कि टीचर सेंटर्ड मेथड बेहतर है या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड बेहतर है, कौन सा मेथड बेहतर है आपको क्या लगता है? तो देखिए वही अगर हम बात करें निष्कर्ष क्या निकलता है आज के इस लेक्चर का, क्या निष्कर्ष निकलता है, तो देखिए निष्कर्ष जो है ना वो ये निकलता है कि जो लर्नर सेंटर्ड मेथड है, जो शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ हैं ना, वो प्रायोरिटाइज़ करती हैं क्या स्टूडेंट एंगेजमेंट को, ठीक है, कि यहाँ पर जो छात्र का जुड़ाव है, जो छात्र का एंगेजमेंट है वो प्रमोट होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है, सेल्फ डिस्कवरी को बढ़ावा मिलता है, मतलब आत्मखोज, बच्चा जो है खुद से इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है,
और टीचर गाइड की तरह पे काम करता है। टीचर एज ए गाइड है। टीचर का यहाँ रोल सेकेंडरी है, याद रखिए इस चीज़ को कि टीचर का रोल सेकेंडरी है, स्टूडेंट का रोल यहाँ पे प्राइमरी होता है, यानी कि शिक्षक का रोल जो है ना वो जो है सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो नहीं हमने हमने बात किया था ना कि देखिए गौर होता है, जो गौर होता है ना वो शिक्षक का रोल होता है। वही अगर हम बात करें स्टूडेंट की तो वो प्राथमिक रोल होता है, प्राथमिक उसका जो है मुख्य भूमिका होता है। तो ये हो गया, और टीचर गाइड की तरह काम करता है। वही अगर हम बात करें इसके विपरीत तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है ना, इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है, जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है ना, वही मेन सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, उसी के ऊपर ये पूरा आधारित होता है। ठीक है, वो प्राइमरी सोर्स हो जाता है, यानी प्राथमिक जो है वो भूमिका निभाता है। वही अगर गॉड हम देखें तो गॉड इसमें भूमिका निभाता है, कौन? शिक्षार्थी। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें हम कौन से मेथड को बेहतर माने? तो देखिए बैलेंस जो है वो सबसे बेहतर होता है, आपको पता है ना। देखिए गौतम बुद्ध भी इस बारे में बात करते हैं, अगर आप बुद्धिज्म पढ़ रहे हो, एजुकेशन के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, या फिर फिलॉसफी के, कि देखिए जो बुद्धिज्म है इसमें क्या बोला जाता है कि देखिए हर चीज़ में ना बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपको जो है ना संतुलन बनाना होगा। ठीक, अपने लाइफ में भी आपको यही करना होता है कि देखिए अपने वर्क लाइफ बैलेंस, आपने सुना होगा कि जो अपने काम है और अपनी ज़िंदगी है, इन दोनों को बैलेंस करना होगा। अपने काम के आप अपने काम के गुस्से को, अपने काम के जो है स्ट्रेस को आप घर पे ले आके अपने अपनों पर मत निकालिए। ठीक है, तो वो चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे ही बैलेंस, इन अप्रोचेज का बैलेंस करना एक बेहतर जो है ना विकल्प है, यानी कि इन अप्रोचेज को अगर हम बैलेंस कर देते हैं ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इफेक्टिव लर्निंग होता है इससे, और इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनता है, ऐसा माहौल बनता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बेहतर जो है ना अनुभव बच्चे को हो पाता है। और इससे क्या होता है ना, देखिए स्टूडेंट के ऑटोनोमी को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, उसको जो है ना स्वावलंबन बनाइए, जो होता है ना स्वायत्तता को बढ़ावा दीजिए, और इसके साथ साथ टीचर को गाइडेंस का रोल जरूर दीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक ऑप्टिमल एजुकेशनल एक्सपीरियंस होगा। तो मतलब देखिए वही बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति करती है ना वो यही बात करती है कि देखिए बैलेंस होना चाहिए, टीचर एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड काम करे, और बच्चा जो है ना वो एक्टिव हो, एक्टिव लर्निंग करे, बच्चा करके सीखे, एक्टिव लर्निंग, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, इंटरेक्शन करे, इंगेज रहे और इंटरेस्टेड रहे क्लासरूम में। ठीक है, वो जो है उसका भूमिका जो है वो गौड़ ना हो बल्कि प्राथमिक हो, और जो टीचर है ना उसकी भूमिका जो है वो गौड़ हो, वो जो है जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आए तो टीचर वहाँ पे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खड़ा हो, क्योंकि टीचर के पास नॉलेज ज़्यादा है ऑफकोर्स, लेकिन बच्चों को हमें जो है एक लिटिल साइंटिस्ट समझना होगा, एक छोटे जो है वैज्ञानिक के तौर पर समझना होगा, खुद से करके एक्सप्लोर करें टॉपिक्स को, नए नए दृष्टिकोण अपने रखें, डाइवर्स जो है वो व्यू रखें किसी भी टॉपिक पे, तो उससे जो है उनका समझ का विकास सबसे बेहतर हो पाता है। तो देखिए ये था हमारा आज का क्लास, आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रहा हो। ये हमारे कितने बेहतर तरीके से हम डिस्कस करते हैं और कितने मज़े से यहाँ पढ़ते हैं, आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि कितने अच्छे से हम यहाँ पर क्लासेज चला रहे हैं। ये हमारे जो है बैच का आपको जो है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या क्या हम यहाँ पर कवर करते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप डिसिप्लिन से पढ़ाई करिए, कि बीच में छोड़िए मत, और रिवीजन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो नोट्स हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं, आप फॉलो करिए ज्ञानस्थली क्लासेस को टेलीग्राम पे। कोई भी क्वेरी अगर आप प्रतीक सर से, यानी कि मुझसे अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप जो है वही टेलीग्राम पे ज्ञानस्थली के डिस्कशन ग्रुप में पूछिए, वहाँ पे मैं उस आपके कोई भी क्वेरी को सॉल्व करूँगा। और अगर आपको मैम से भी कोई कुछ भी पूछना, ओलका मैम से, तो वहाँ आप पूछ सकते हैं। और देखिए जो है अब आप ऐप पे देख रहे हो तो आपको क्या बोलूँ लाइक करने के लिए, लेकिन जो है आप शेयर जरूर करिए, और शेयर करके और टेलीग्राम सॉरी यूट्यूब पे जो है ना हमारे ज्ञानस्थली क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को बताइए कि कितने बेहतर ढंग से हम पेपर वन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस, एंड आप जो है बेहतर जो है शिक्षण कर सकें, ऐसा मैं भी आशा करता हूँ। आप साथ बनाए रखें ताकि हम भी बेहतर जो है लर्निंग प्रोवाइड कर सकें, आपको बेहतर चीज़ें, बेहतर कंटेंट दे सकें। थैंक यू वेरी मच।